दोस्तों, इंसानी शुरुआती समयकाल के इतिहास में कई हजारों सालों तक हम धरती पर कई प्रॉब्लम में उलझे हुए थे। तब लोगों को लगता था धरती है हमारी यूनिवर्स, लेकिन ये सभी सोच साल 1609 से लोगों के दिमाग से मिटने लगे, जब गैलीलियो गैलीलियो टेलीस्कोप के द्वारा आसमान पर देखा और कहा, अरे यार, हमारी ये धरती तो यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में ऐसी कई सारी चीज़ें या मैटर है जिसके सामने हमारी धरती के कोई औकात नहीं। तो आखिर इस यूनिवर्स में ऐसा क्या है, इसे बारीकी से जानने के लिए हमने शुरू किया खोज। जो कि इस खोज के चक्कर में आज हम यूनिवर्स के इतनी गहराई में चले गए जो छोटी से भी छोटी पार्टिकल या मैटर को रिसर्च कर रहा है और समझ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमारी इस ब्रह्मांड को बनाने वाले आखिर सबसे माइक्रो सूक्ष्म चीज क्या है? जरूर इसके जवाब आपके पास होगा, पर शायद आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिकों ने कई सालों से कैलकुलेशन के जरिए सोचते आए थे ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म छोटी चीज एक एटम, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसी सोच को उलझन में डाल दिया 19वीं सेंचुरी में क्वांटम फिजिक्स। इसके माध्यम से हमें पता चला कि एटम से भी छोटी या सूक्ष्म चीजें इस ब्रह्मांड में होती है। पर यह सूक्ष्म पार्टिकल क्या है? आखिर क्वांटम थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और स्ट्रिंग थ्योरी में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ब्रह्मांड को लेकर गहरी सोच को उलझ देने वाले थ्योरी में से एक। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा डिस्ट्रेसिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत कंसीडरेशन में देखना, अगर समझ ना आए फिर से दोबारा देखना। तो जैसा कि साइंटिस्ट कई सालों से समझते आए थे एक एटम है इस ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म पार्टिकल, बट क्वांटम फिजिक्स के कैलकुलेशन में जब देखा गया तब हमें पता चला केवल एटम नहीं, इससे कई गुना छोटी सूक्ष्म चीज या पार्टिकल मौजूद होती है। इनसे छोटी और कोई चीज नहीं हो सकती, जो कि वो है इलेक्ट्रॉन क्वार्कस न्यूट्रिनो। ये है ब्रह्मांड की सबसे छोटी से भी छोटी पार्टिकल। लेकिन बात है पार्टिकल असल में क्या है, क्या ये किसी तरह की डॉट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये है अपनी अपनी फील्ड की वाइब्रेशन। पर एक ऐसे पार्टिकल एक वाइब्रेशन, जो कि अगर आपको पूछा जाए ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक ज्योमेट्रिक कर्वेचर है स्पेस टाइम फील्ड में, जहाँ ग्रेविटॉन नाम की पार्टिकल के जरिए फील्ड में ग्रेविटी अपनी प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि एक मैग्नेट की तरह। तो ब्रह्मांड में इसी तरह टोटल 16 फील्ड है, जिनमें से 4 है नेचर की फील्ड, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा 12 है मैटर या पार्टिकल के फील्ड, जिनमें से आप हम संसार में ये सारा कुछ बना है, और इसी फील्ड के वाइब्रेशन को हम फोर्स या पार्टिकल कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन फील्ड में वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बनेगी और न्यूट्रिनो फील्ड में वाइब्रेशन न्यूट्रॉन पार्टिकल बनेगी। ये है क्वांटम थ्योरी के आधार पर, जिसमें दिखाया गया ये 16 अलग अलग फील्ड देती है, जहां उत्पन्न होती है अलग अलग सूक्ष्म पार्टिकल और नेचर ऑफ फोर्स। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है यहाँ 16 अलग अलग फील्ड नहीं बल्कि केवल एक ही फील्ड होगा? बेसिकली ब्रह्मांड में पार्टिकल इतनी वैरायटी से पाई जाते हैं जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना पाने में या ब्रह्मांड को एक कर पाने में आपको हैरान कर देगी, जहाँ ये 16 अलग अलग फील्ड को एक करने से पार्टिकल और नेचर के फील्ड मैथमेटिकली ये दोनों कितनी मिलते जुलते होगी, जिसमें ऐसी कुछ समान चीज़ें होगा जो ब्रह्मांड के किसी भी पार्टिकल या फोर्स ऑफ नेचर के रूप में परिवर्तन हो। पर बात है ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो एक ही आकार के हो फिर भी वो पार्टिकल और फोर्स ऑफ नेचर को अपने रूप में समा सकता होगा? जो कि ऐसी चीज़ केवल एक ही है और वो है वाइब्रेशन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जैसे कि कलाकारों की गिटार में सिर्फ तारों की उलझन से अलग अलग अन्य किस्म की म्यूजिकल नोट निकलते हैं, ये सारा कुछ होती है केवल मात्र वाइब्रेशन के कारण। से मुझसे ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म चीज़ है वाइब्रेशन स्ट्रिंग, जिनके वाइब्रेशन के फ्रिक्वेंसी कितने बार कितने तारा वाइब्रेट डिसाइड करते हैं वो स्ट्रिंग हमें किस पार्टिकल या किस नेचर के रूप में दिखेगा। मतलब जैसे कि हमारी आँखें एक मेजरिंग डिवाइस जो वास्तव चित्रों को मेजरिंग करती है दिमाग में, और हमें यही फ्रीक्वेंसी हमारी करोड़ों सालों की एवोल्यूशन की वजह से किसी पार्टिकल या नेचर के रूप में दिखाई देती है। अगर हमारी एवोल्यूशन किसी अन्य तरह हुआ होता तो आज हमारी आंखें जिस तरह देख पाते शायद ऐसा हमें दिखाई नहीं देती, बट सारी पार्टिकल या मैटर फिर भी वही रहती, जैसे कि पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेट्रा और नेचर के ग्रेविटी का ग्रेविटॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फोटोन एक्सेट्रा बनाती है, जो कि मैथमेटिक साइंटिफिक कैलकुलेशन में ब्लैक होल से लेकर के गहराई से ब्रह्मांड को एक कर पाने में सक्षम वो है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग।
तो शायद आप सोच रहे होंगे ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म चीज एटम नहीं बल्कि वो है स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग को सबसे सूक्ष्म चीज कहने में भी एक प्रॉब्लम है, जो कि जब हम इसे मैथमेटिकली स्टडी करते हैं ये हमारी थ्री डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में टिक नहीं सकती। ऐसे में ब्रह्मांड कभी स्टेबल नहीं रह सकती। इनफैक्ट इसके लिए थ्री या सिक्स डायमेंशन नहीं बल्कि 11 डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में ये काम करेगी, जिनमें से 10 डायमेंशन है स्पेस की और एक डायमेंशन है टाइम का। बेसिकली थ्री डायमेंशन वाले आइडिया हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आइंस्टाइन मानते थे थ्री डायमेंशन स्पेस के और एक डायमेंशन टाइम के अलावा ब्रह्मांड कई डायमेंशन में मौजूद हो सकती है, लेकिन शायद वो बहुत ही छोटी होगी, इतनी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक हम उसे चाहकर भी देख नहीं सकते, जो कि लाइट उसे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। पर ये माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन की खास बात, ये डायमेंशन किसी अजीब किस्म के स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, साथ में आपस में ओवरलैप भी करते हैं, और यही स्ट्रक्चर ही है पासवर्ड ब्रह्मांड की रहस्यों को खोलने की। जैसे कि एक गिटार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के टर्न और ट्विस्ट की वजह से क्या ये अलग अलग किस्म की साउंड निकलती है, सेम उसी तरह इस छोटी डायमेंशन के स्ट्रक्चर के ज्योमेट्री में ट्विस्ट और टर्न की वजह से स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी डिसाइड होती है, इसके मूवमेंट या गतिविधियों को, जैसे कि आप देख सकते हो। बेसिकली आपके लिए ये कोई क्रिएटिव आइडिया या जोक नहीं है जो सुबह उठ के किसी साइंटिस्ट को ख्याल आया हमारी ब्रह्मांड ऐसा नहीं बल्कि कुछ अलग होगा और हम उस आइडिया को एक्सपेरिमेंट करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट साइंस में हमेशा ऑब्जर्वेशन एविडेंस कैलकुलेशन के आधार पर आइडिया या थ्योरी डेवलप होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड के मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही मॉडल या स्ट्रिंग की ओर इशारा करती है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन पर आधारित है, लेकिन ये कैलकुलेशन हमारी सिद्धांतों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए, लार्ज कोलाहेड्रॉन में एक्स्ट्रा डायमेंशन की खोज करने के लिए काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल को लाइट की रफ्तार में टकराए जाते हैं और वहाँ से जो अन्य किस्म की पार्टिकल उत्पन्न होती है, वैज्ञानिकों ने उन पर नज़र रखते हैं केवल ये देखने के लिए उस पार्टिकल के ऊर्जा टकराने के बाद भी कॉन्स्टेंट रहती है कि नहीं। अगर ऊर्जा थोड़ी सी मात्रा में भी कम या अनस्टेबल हो जाए तो बात बिल्कुल साफ होगी वो किसी छोटी माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन द्वारा ऑब्जर्व हो गया हो। अब इस सबूत के बाद दूसरे सबूत के बारे में जानने से पहले हम पूरी ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख सकते उनके स्टडी करके आज जान पाए ब्रह्मांड के 20 मैथमेटिक्स डिजिट या नंबर को। ये 20 नंबर यूनिवर्स के कुछ अलग चीज़ें जैसे कि ग्रेविटी के शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज या फोर्स की शक्ति, पार्टिकल एक्सेट्रा, लेकिन बात को यहीं पर कन्फ्यूज में डाल देती है। जब हम ब्रह्मांड में इन्हें मेजर करते हैं आंकड़े हमेशा सेम ही आते हैं, और इसी 20 नंबर की वजह से आज ब्रह्मांड कायम है। अब इस 20 नंबर काम आएगी स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी को टेस्ट करने में, लेकिन कैसे? जैसे कि हम पहले जाना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बनावट या स्ट्रक्चर कैसे एक ही आवाज़ को कंप्रेस करके ट्विस्ट और टर्न की वजह से अलग अलग म्यूजिकल नोट के निर्माण करती है, बिल्कुल सेम उसी तरह जो सभी स्ट्रिंग माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन के स्ट्रक्चर में वाइब्रेट कर रहा है, अगर उनके डायमेंशन को अच्छी तरह समझ सके और उसके टोटल वाइब्रेशन पैटर्न यानी वो टोटल कितनी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेशन कर सकती है उसे जान सके, तो ये आंकड़े हमें जो 20 नंबर मिले हैं उसके साथ कंपैरिजन करके देखें, और अगर ये दोनों टाइप के नंबर आपस में मैच हो जाते हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी सही होने की ये सबसे बड़ी सबूत होगी। ब्रह्मांड को लेकर स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर अभी भी काम चालू है, जो कि साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन एविडेंस और कैलकुलेशन के आधार पर थ्योरी डेवलप होती है, यानी स्ट्रिंग थ्योरी में फिजिक्स के कैलकुलेशन उतनी आसान नहीं होगी। तो ये है स्ट्रिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और क्वांटम थ्योरी। अगर आपको समझ ना आए तो फिर से और एक बार देखें, जरूर आपको समझ आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी और इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मिलूंगा फिर से और एक नए साइंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपकी दोस्त शिव प्रसाद।